first question, I work with some really wonderful stylists. My stylist's name is Mohit Rai, and my fashion funda is Ab Tumhare Hawale Watan Sathiyo. He knows exactly what he's doing, and I think he's really helped me to turn my style around, so I think I'd like to give him all credit for it. When it comes to movies, I think it's very important for every character to have that one thing that kind of stands out. I remember when I did Rowdy Rathod, there was a different kind of poncha on my salwar, and somebody sent me pictures from a market somewhere in some small town saying Sonakshi Salwar. So it's very important, you know, that something stands out. Even for a character like Rajo, yes, she is a small town girl wearing saris, but I feel like you can maybe accessorize differently. So flowers in the hair, or you know, something like that. Something should always stand out. For me, in terms of my characters, what I've always stuck to, I think. Thank you.
फैशन को भी फॉलो करना जब मैं इवेंट्स के लिए जाती हूँ या कोई शोज करती हूँ तो मुझे ये फ्रीडम मिलती है कि मैं दूसरे फैशन को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ तो एज एन एक्टर आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकती हूँ एंड वही मैंने मेरी कोशिश रही है थ्रू आउट माई करियर कि यू नो एक मोल्ड में मैं बंद नहीं जाऊँ एज अ पर्सन हु स्टडीड फैशन डिजाइनिंग ऑल्सो मुझे मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ एक्सपेरिमेंट करूँ और वही मैं करते आई हूँ सो आई थिंक बट इन टर्म्स ऑफ जो एक जो रीच मुझे मिली है वो मुझे देसी गर्ल बन के ही मिली है जी फिल्म दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगी मेरा मैं भी बहुत इंतज़ार कर रही हूँ ये साल की मेरी आखिरी रिलीज़ होगी चार फिल्में कंप्लीट हो जाएंगे मेरे और आई एम रियली रियली एक्साइटेड क्योंकि दबंग मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा इनफैक्ट आज दबंग का 9th एनिवर्सरी है या तो मेरी इंडस्ट्री की जर्नी की का नवा साल है एंड दबंग का नवा साल है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो हम पार्ट 3 के साथ भी आ गए हैं एंड वो भी इस साल रिलीज़ हो जाएगा